हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया और मस्त और स्वस्थ होंगे और आगे भी आप सब मस्त ही रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप लोग का बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिला था। शायद मेरे वीडियो की वजह से या मुकेश सहनी भाई की वजह से ये प्यार और सपोर्ट मिला था। तो दोस्तों, मुकेश सहनी भाई की मैं फिर से एक वीडियो अपडेट लेके आ गया हूँ। तो आप लोग को मैं बताया था दोस्तों, मुकेश सहनी भाई एक लड़की से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये भी वीडियो उसी के रिलेशन से है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं वीडियो में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। आप सभी को क्लियर बता देना चाहता हूँ, काफी सारे लोग कमेंट किए थे कि भाई अभी तेरे को शादी की क्या जल्दी है, चलो हमारा शादी करा दो, हमारा शादी करा दो। एक और कमेंट आया है शशिकला सोलंकी जी का, तुम लड़की वालों से जाके बात करो, जो होगा देखा जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, ये वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है, ये वीडियो काफी ज्यादा छोटा होने वाला है। इसमें मैं आप सभी को पिछले लगभग एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप सभी को हमने बताया था कि एक लड़की है जिससे मेरे को मतलब एक लगाव हो गया है और जिंदगी में पहली बार ऐसा हमारे साथ हुआ है। एक तरह से बोला जाए तो हम बताए थे कि हमको एक लड़की से प्यार हो गया है, यही सब बातें आप सभी को बताए थे। तो उसमें बहुत सारे से कमेंट आए थे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, इस बात में कितनी सच्चा है कितनी नहीं, मतलब इस बारे में बहुत सारे कमेंट आए थे। और काफी सारे लोगों का ऐसा लग रहा था कि मैं ये सब सिर्फ वीडियो के लिए किया हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, बाकी ये सब रियल लाइफ से कोई भी रिलेट नहीं करता है, एकदम झूठ है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट थे और मैंने सोचा इस बात को अभी आप सभी के साथ क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ऐसा देखो मैंने जो कुछ भी बोला था अपनी जिंदगी से रिलेटेड, ये सब एक सजेशन चाहिए था। क्योंकि देखो आप सभी को पता है मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग जो है ना डाइवर्ट हो गया है एक तरह से देखा जाए तो। अब इसमें किसी और का रीजन मत लीजिएगा कि किसी और की वजह से मैं डेली ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, जो मैंने किया है वो तो मैंने ही किया ना, मेरी वजह से डेली ब्लॉग नहीं अपलोड हो पा रहा है। तो मेन ये बात 100% सच है, हाँ एक लड़की है जिससे मेरा कुछ इस तरह से मतलब आता है, लगाव सा हो गया है, मतलब महसूस होता है वो चीज है। और उसको भी मैंने बोला ऐसी बात नहीं है, ये बात सही है, 100% सही है। तो काफी सारे भाई लोगों को लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ना क्योंकि देखो मैंने इस टॉपिक पर दो बार आप सभी को अपडेट दिया है। अगर मैं आप सभी को लगातार बराबर अपडेट देता नहीं रहूंगा तो ये बात सच है, हर किसी को यही लगेगा भाई कि दो दिन बताए बस वीडियो खत्म, बात खत्म, वीडियो से मतलब था। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं, वीडियो से मतलब नहीं, वो अपने लाइफ के बारे में वो आप लोग को अपडेट देते रहे, अपडेट आते रहेंगे जो कुछ भी। जैसे मान लीजिए कि अपने घर वालों को मनाना, या फिर मेरे घर वाले हो सकता है बाद में कुछ दिक्कत करने लगे, या फिर हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है, गांव देहात का है, कहीं और से रिश्ता आ गया तो घर वाले वही पसंद करने लगे, या फिर ऐसा कुछ तो हो सकता है, ऐसा कुछ विवाद है। तो मैं सब कुछ आप सभी को बताता रहूंगा। और हाँ, एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है मेरी जिंदगी की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि देखो अपने घर वालों को मनाने के बाद किसी और को भी मनाना रहता है, वो सब आप सभी को बताने की जरूरत नहीं किसको, लड़की के घर वालों को। तो वो भी शुरू हो गया है, हम जल्द ही दोस्तों कोशिश करेंगे कि उनको भी मना लिया जाए, ऊपर वाले की कृपा रहेगी, आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। और मैंने जो पिछले लगभग एक हफ्ते पहले वीडियो डाला था उस पर कुछ भाई लोगों का कमेंट आया था। तो पहला कमेंट एक भाई ने किया है सतनम 169 जी ने, कंग्रेचुलेशन आपको एक लड़की से प्यार हो चुका है, मतलब आपकी जिंदगी झंड हो चुकी है। भाई एकदम फुल एकदम हंस रहे हैं। अब ये बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं मेरे को नहीं पता, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ तो मेरे को नहीं पता कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है। हालांकि अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही, मेरे को समझ नहीं आता क्या किया जाए क्या ना किया जाए, दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। बहुत दिक्कत होता है। एक और भाई ने कमेंट किया ब्लैक हार्ड गेमर भाई ने, तो मुबारक हो आज से बर्बादी का शुरुआत हो गया। ले भैया इनको भी लग रहा मैं बर्बाद हूँ, बस सही में बर्बाद हो जाते हैं इस सब चक्कर में सब पड़ता कोई। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इन सब चक्कर में पड़ने के बाद इंसान बर्बाद हो जाता है या फिर बच जाता है, या फिर कितने परसेंट चांस रहते हैं उससे बचने के या फिर बर्बाद होने के। एक और कमेंट आया है गणेश लाल जी का, इन्होंने कहा है भैया ये आपकी जिंदगी का सवाल है तो आप तो अपनी दिल की सुनिए, सफलता अपने आप मिलेगी, आपकी छोटी बहन अनु। शुक्रिया सिस्टर।
ये मानता हूँ मैं, हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी दिल करता है इस चीज से मैं पीछे ना मुकरूं, जितना भी हो सके जी जान लगा दूं इस चीज में, मैं अपना जो कुछ भी सफलता से रिलेटेड है वो चीज हासिल कर सकूं। और है एक चीज मैं आप सभी को क्लियर बता देना चाहता हूं, काफी सारे लोग कमेंट किए थे कि भाई अभी तेरे को शादी की क्या जल्दी है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखो मैं खुद भाई अभी शादी नहीं करना चाहता हूं, देखो मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस चीज में इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे मतलब अप्रोच कर रहा हूँ, खुद को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो लड़के के घर वाले कहीं और सेट ना कर दें, इस चीज की डर है। शादी 2 साल 4 साल बाद कभी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये तो हो जाए ना कि हाँ हमारी शादी उनसे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं करते भाई चलो हमारा शादी करा दो, हमारा शादी करा दो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते, तो ये समझ ही लीजिए ना आप लोग। एक और कमेंट आया है शशिकला सोलंकी जी का, तुम लड़की वालों से जाके बात करो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ सही, आपकी बात भी सही है, काफी हद तक सही है, कोशिश है इस चीज की जितना जल्द हो सके इस चीज को हम लोग करें। और ये जो कमेंट आया था काफी सारा कमेंट कि भाई झूठ बोल रहे झूठ बोल रहे, भाई देखो अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो आप लोग खुद सोचिए, जिस चैनल से हमारा घर चलता है इतना बड़ा झूठ बोलूंगा मैं कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मतलब इतना बड़ा मैं झूठ बोल दूंगा? मुझे अपने चैनल की फिक्र नहीं है, अरे इतना बड़ा झूठ बोलूंगा? जिन ऑडियंस ने जिन यूट्यूब फैमिली ने हमको फर्श से अर्श तक लाया है मुझे पता है, वहां से यहाँ कब ले आएंगे पता ही नहीं चलेगा, तो इतना बड़ा तो झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता। तो भाई जो भी भरोसा नहीं कर रहे, देखो भाई ये बात सच है, इसमें कोई भी शक नहीं है, और जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था, मैंने सोचा आप सभी को बताते हैं, क्योंकि भाई देखो हम ना एक तरह से बेचैनी सा महसूस करने लगे थे, अजीब सा होने लगा था, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। कभी कभी ना मतलब सही बताए ना, अजीब सा फील होता था, मन करता था कि मतलब कि कुछ ही नहीं जिंदगी में, सही बता रहे हैं, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा जिंदगी में। तो यही सब बात है, और आप लोग बताइएगा भाई साहब जो कुछ भी आपके सजेशन में आता है मतलब समझाने का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी को भी कुछ भी बुरा लगा होगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, और ये बात सच है कि हाँ एक लड़की है, सही बता रहे हैं, भरोसा कीजिए ना, आप लोग झूठ नहीं बोल रहे, इतना बड़ा झूठ काहे बोलेंगे हम ही समझ रहे हैं ना मेरे ऊपर क्या भी इतना क्या सिचुएशन है, कोई नहीं समझता इस बात को, सोशल मीडिया के अलावा कोई समझता ही नहीं, घर वाले इसलिए समझ रहे हैं ना क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी वजह से घर चल रहा है, इसलिए समझ रहे हैं। मैं तो कसम से बता रहे हैं ना घर वालों को, मैं ऐसे बोल देता हूं, मुझे एक लड़की से ऐसा लगा हो, उस लड़की से शादी करना है, ऐसा कुछ ना चप्पल निकाल के घर वाले खदेड़ देते मेरे को घर से, ऐसा दिन आता मेरा। लेकिन आप सभी का प्यार और सपोर्ट है जिस वजह से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैं लोगों को कह सक रहा हूँ, अपने घर वालों को कह दिया कि ये बात है, ये जिंदगी में जुड़ी हुई है, ये मेरी जिंदगी में चल रहा है, वरना इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे कि मैं बोल सकूं। तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू आप सभी का जो इतना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया, इतना लायक हमें बनाया, और हो सकता है जिंदगी में मैं वो चीज भी हासिल कर लूंगा जो एक होता है ना लाइफ पार्टनर जीवन साथी, वो भी हासिल कर लूंगा, वो भी अपने मन पसंद का। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और जो कुछ भी जिंदगी में इससे रिलेटेड आएंगे अपडेट सारा कुछ आप सभी को सुनाते रहेंगे दिखाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों ये हकीकत है, मुकेश सहनी भाई के दिल में एक लड़की है, ये बात इससे पहले वाले भी वीडियो में बताए थे जब ये अपडेट दिए थे, ये वीडियो इस वाले भी वीडियो में ये मुकेश सहनी भाई ने बताया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात हकीकत है मुझे लगता है, तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और एक लाइक एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके, अभी के लिए बाय।